लेना आती है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। मेरी शादी नूरी से पहले नहीं हुई ना तो मैं भी किसी की शादी नहीं होने दूंगी। उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ हानिया भाभी के पास। बाबा जान मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या कहा तुमने? तुम ये शादी नहीं करोगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो मासूम लड़की जो माइयों के जोड़े में तुम्हारा इंतजार कर रही है उसको क्या जवाब दोगे? और ये सब क्यों कर रहे हो तुम शहीर? सिर्फ इसलिए कि तुम उस मक्कार औरत के पहकावे में आ गए हो? वो मासूम नहीं है भाईजान, ये सब आग उसने लगाई है। भाभी के खिलाफ साजिश की है, कान भरे हैं आप दोनों के। अरे कान तो तुम्हारे हादिया ने भरे हैं, उसी के कहने पे तुम शादी से इनकार कर रहे हो, बोलो। बाबा जान भाभी पे इल्जाम लगाना बंद करें आप दोनों प्लीज। ये सारा प्लान चची जान का है, नाजी का है, नूरी का है। वो भाभी पे तोहमत लगा के तलाक कराना चाहती है ताकि नाजी की शादी भाईजान से हो जाए। बकवास बंद करो। भाईजान बकवास नहीं कर रहे, हकीकत है, आप लोग मान। झूठ की इंतहा होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गंदे इल्जाम नाजी और नूरी पर लगाओगे और मैं मान जाऊंगा? अंधा हूं मैं नहीं जानता क्या हो रहा है यहां पर, क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? वो इसके पीछे मुझे छोड़ देना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है ताकि इसके साथ मिलकर अय्याशी कर सके। बस शर्म बेहया, बड़े भाई पे हाथ उठाता है, बाप को बेइज्जत करता है, डूब के मर जाना चाहिए तुझे। सबका सुकून बर्बाद करके तुम यहां खड़ी हमारा तमाशा देख रही हो? निकलो यहां से, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने नहीं कहा शहीर से कि वो शादी से इनकार कर दे। बकवास करती हो तुम, अब मैं तुम्हारी एक बात पर भी बिलीव नहीं करूंगा। निकलो यहां से, फौरन निकलो। बस खुदा के लिए बाबा, खुदा के लिए मुझ पर जुल्म ना करें। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। आज़िद बाबा क्या कर रहे हैं? निकलो, अब यहाँ नहीं रहोगे तुम। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। बाबा खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाले। खबरदार, अब एक लफ्ज नहीं बोलना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुन। अब मैं इस घर में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ यहाँ से। बाबा खुदा के वास्ते, चुप हो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आज़र। बाबा को बोले ना आज़र, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या? ये देखो आज़र, ये इसका ड्रामा शुरू हो गया। आज़र सुबह होने से पहले ये मुझे यहां नजर ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा जुर्म क्या है? मुझे क्यों निकाला जा रहा है इस घर से? कोई एक जुर्म किया हो तो तुम्हें बताऊंगा, हर रोज तो एक नया जुर्म करती हो तुम। तो वक्त ऐसा आ गया है कि तुम मेरे प्यार और मेरे साथ के भी काबिल नहीं रही। मैंने किया क्या है इतना तो बता दे मुझे। इतनी मासूम मत बनो, शहीर ने शादी से इनकार कर दिया और सब जानते हैं क्यों। ना सिर्फ शादी से इनकार किया है बल्कि आज बाबा से और मुझसे बदतमीजी भी की। हाजिर ये सच नहीं है, खुदा गवाह ये सच नहीं है, उसने मेरे कहने पे इनकार नहीं किया। हाजिर मजीद झूठ मत बोलो हानिया, अब तुम कुछ भी कर लो
अपने किसी भी झूठ को सच साबित नहीं कर पाओगी। तुमने मेरे रिश्ते की बेइज्जती की है। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं, और मैं मजबूर हूं। मैं अपने बाप को मजीद दुखी नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि आज इसी वक्त इस घर से चली जाओ। ना दर्द रुकता, ना तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होंठों पे जमे बोल, होंठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। ना इसको, ना जाने क्यों इतना रो रही है। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई साहब ने खुद कहा है। शहीद, शहीद मुझे इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकता। कुछ नहीं हुआ, ना जाने क्यों तू इतनी टेंशन ले रही है। उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। आप कह रही मैं अभी भी टेंशन ना लूं, और ये सब कुछ इस नाजी की वजह से हुआ। मेरी वजह से? तुम हर बात मेरे ऊपर क्यों डाल देती हो नूरी? तुम ही मरे जा रही थी आजर भाई से शादी करने के लिए। तुम्हारी शादी की वजह से अम्मी ने सारी चलाकियां चली हैं और मुझे भी इसमें शामिल कर दिया। मेरी शादी रुक गई। अच्छा, तो फिर तुम इतनी फरमा बरदार क्यों बनी रही? क्यों हर वो काम करती रही जो अम्मी तुम्हें बताती रही? नहीं करती, मना कर देती, कोई जबरदस्ती नहीं करवाया है। चुप कर जा, देख मेरी बहन परेशान है। और नूरी, कोई बड़ी कयामत नहीं टूटी, छोटी सी बात है। भाई साहब ने तेरे सामने कहा था ना, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि शादी उसी दिन होगी जिस दिन तारीख मुकर्रर है। सिर्फ और सिर्फ बहला रही हैं आप मुझे, और कुछ भी नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? चल मेरे सर की कसम, खुश, भाई साहब ने कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। तू जाके पानी ला बहन के पास से। देख मैं अभी आमिर के पास जा रही हूँ, ऐसे सीधा करेगा। मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ ना हमेशा, बस तू परेशान ना हो, सब मैं ठीक कर दूंगी फौरन। क्या वाकई पापा मुझे निकाल देंगे घर से? नहीं नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी मुझे इस हालत में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं उन्हें ये सदमा नहीं दे सकती, क्या करूं फिर? पापा तो बहुत गुस्से में है। हाजिर? हाँ हाजिर, मैं हाजिर को मना लूंगी। इतना कठोर नहीं है वो, जरूर रोक लेगा मुझे। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? हाँ, दो चार रोज के अंदर निकाह है, शादी है, और शहीर ने मना कर दिया। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो न जाने आपस में क्या लड़ाई हुई है उनकी, कि शहीर घर छोड़कर चला गया अपने घर और कहा है कि शादी नहीं होगी। अरे तो अम्मी, ये उनके आपस की बात नहीं है, अब ये हमारे घर की बात है, हमारे घर पे सवाल है ये। आप चले मेरे साथ, अभी चले ताया जी के पास, हम जाकर उनसे अभी बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं गई थी ना, गई थी उनसे बात की, उन्होंने कहा है वो संभाल लेंगे सब कुछ। उस
उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ हानिया भाभी के पास। थाया वो को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए हैं, और क्या करूं मैं, जान दे दूं। मैंने कितने इल्जाम लगाए हैं भाई, मैं तो थक गई थी भाई साहब के कान भरते भरते। बस माफ करना, जो तेरा ताया अब्बा है ना और आजिर, दोनों बड़े ठीठ और बखैरत लोग हैं। तो ये सब इन लोगों की साजिश थी, लेकिन भाभी से इन्हें इतनी नफरत क्यों है? क्या नाजी की वजह से? लेकिन नूरी, क्या वो इतनी घटिया हरकत कर सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मैंने तो हमेशा नाजी और चची जान को ही ऐसी हरकतें करते देखा है। नूरी, तुमने मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया, लेकिन तुम भी कभी इस दिन में आबाद नहीं हो सकोगी। चल मेरा बच्चा खाना खा। अम्मी, ताया अब्बू ने शहीर को समझाया होगा ना, बात की होगी ना, आया क्यों नहीं है वो अभी तक? हाँ हाँ, समझ गया होगा बात, भाई साहब की बात को कोई टाल सकता है? मान गया होगा, समझ गया होता तो अभी तक आ चुका होता ना, आया क्यों नहीं है वो? रात के 12 बज गए, मैं इंतजार कर रही हूँ, उसको पता होगा ना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। तुझसे नाराज है ना, गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा सा वक्त तो लगे, सुबह को आ जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ जल्दी से खाना खाकर जरा शक्ल को ठीक कर ले, है क्या पता अभी आ जाए, रो रो कर तुमने देखो क्या हालत बन। खिला दूं तुझे? आ जाएगा ना, बता रही हूँ, अब जल्दी से खाना खा। मैं खिला देती हूँ अपनी बच्ची को, आ जाएगा। शानू, शानू, आज मुझे तुम्हारी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। यह कोई भी नहीं है जो मेरी बात समझ सके। ये घर जो मैंने दिन का जमा करके बनाया था बिखरने लगा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा शानू, कुछ नहीं कर पा रहा। वो लड़की जिसे मैं बड़े नाज से बड़े प्यार से इस घर में ब्याह के लाया था और ये सोचा था कि वो इस घर को जन्नत बना देगी, लेकिन उसने तो इस घर को जहन्नम बना दिया शानू। मेरा इंतखाब कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया शानू मेरा इंतखाब। शहीर कहाँ आ गया? कहीं वो हानिया को छोड़ने तो नहीं चला गया? जरूर उसी के साथ गया होगा। उसने रोने धोने का बेहोशी का ड्रामा किया होगा उसके भी सामने। वैसे ये भी मुनासिब ही है, मैंने गुस्से में आकर हानिया को कह तो दिया कि निकल जाऊं, लेकिन रात के वक्त वो अगर अकेली जाती और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो उसके घर वाले तो मुझ पे इल्जाम देते।
पहले चाय पी लूं, फिर सफाई करूंगा किचन की। अभी तक हैदर के घर से कोई फोन नहीं आया। हानिया पहुंच तो गई होगी रात में, पता नहीं उनका क्या रिस्पॉन्स हो, क्या रिस्पॉन्स होगा। मुंह काला करके गई है, इन्हें तो मुंह छुपाना होगा मुझसे। सिर्फ तू है गवाह मेरे अल्लाह, और मेरे लिए तेरी गवाही काफी है। कर बस बस तू इतना करते मेरे अल्लाह के मेरे शौहर की बदगुमानी दूर कर दे, मेरे घर को उजड़ने से बचा ले, और मेरे मेरे भाई के घर को भी। तू तो जानता है ना मेरी खुशियों के साथ उनकी खुशियां जुड़ी हैं। मेरे अल्लाह मुझे सब्र और हिम्मत अता कर, ताकि मैं इन हालात का मुकाबला करके अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। मुझे बाबा के सामने जाना चाहिए कि नहीं, कहीं वो मुझे देखते ही फिर निकाल ना दें घर से। मैं जानती हूँ कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ। अगर शहीद ने शादी से इनकार कर दिया, भले इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? यही बात तुम्हें सबको समझाना चाहिए, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, हाजिर भी नहीं। बाबा मुझे घर से निकालना चाहते, हाजिर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। नाजी मैं आसर के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी आसर के बगैर, मैं नहीं रह सकती। तुम मर ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। देखो तुम परेशान मत हो और रोना बंद करो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगी आसर से, और ताया अब्बू को भी मैं समझा दूंगी। नाजी सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो अब। हाँ हाँ जरूर, चलो उठो कमरे में चलते हैं। कहाँ? तुम्हारे कमरे में। नहीं नाजी, बाबा कुछ नहीं होगा, और जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर मत निकलना। चलो और यहाँ से नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। पता नहीं मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नजर लग गई। उसकी शादी में तो कोई रुकावट भी नहीं थी। वो शहीर, पता नहीं कल शहीर कैसे आ गया इस तरफ, वो तो कभी आता ही नहीं, और
कल ही आना था, सब सुनना था। मुझे किसी तरह भी उसका दिल साफ करना है नूरी की तरफ से। कुछ सोचना होगा नूरी, सब ठीक कर दूंगी अपनी नूरी के लिए। आंटी नाश्ता बन गया। कितनी बेहस है, यहाँ पे मेरी बच्ची की खुशियां दाव पे लगी हुई और तुझे नाश्ते की पड़ी हुई है। तो आपकी बच्ची की खुशियां मैंने दाव पे नहीं लगाई, उसका अपना कसूर है। इतनी लंबी जबान जो है उसकी, क्या जरूरत अपने होने वाले शोहर के आगे जबान चलाने की। मैं भी तो हूं ना, नौकरों में पली बड़ी हूं, लेकिन यहाँ आके अपने शोहर की भी खिदमत करी हूं और आप लोगों की भी, और नूरी की शादी के लिए भी सब कुछ मैंने किया है। उल्टा आप मुझे बातें सुना रहे हैं। वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, नेकी करो और दरिया में डाल दो। नहीं नहीं, वो परेशान हूं ना इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। फिक्र मत करो, अभी नाजिया आ जाएगी भाई साहब से तो वो पका लेगी। रहने दे, उसे ताया जी की चाकरी करने दे, अपना नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। थैंक यू सो मच। किस तरह से बात करके गई है, बड़े पढ़ निकल आए इस चूंटी को। मेरी नूरी का मसला हल करूं, इसके भी पर काटती हूं मैं। बहुत शुक्रिया, कर लेती हूं मैं खुद। सारे पौधे सूख गए, किसी को कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। जीती रहो नाजी बेटा, तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हुई हूँ, नाश्ता भी बना लिया, किचन भी साफ कर लिया। अब आप नाश्ते पे सबको बुला लीजिए। जीती रहो, यकीन जानो आज मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ काम करने का। अरे भला मेरे होते हुए आपको क्यों काम करना पड़ेगा, मैं हूँ ना। वालेकुम सलाम। आप शहीर को भी बुला लें। मैं बुला कर लाता हूँ शहीर को। मैं बुलाता हूँ। तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हूँ। बैठे बैठो। आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? ऑमलेट, आपका फेवरेट चीज ऑमलेट, मैंने बनाया है। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकेंड, मैं चाय लेकर आई। शहीर, आओ बेटा नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, रात तुमने खाना भी नहीं खाया। चलो शाबाश, नाश्ता करो। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जूं या मरूं आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं आपका कुछ नहीं लगता ना, एक गिरा पड़ा लूज कैरेक्टर, घटिया इंसान हूं। शहीद, देखो प्लीज मुझसे बात करो, वरना तुम्हारी बेरुखी मुझे मार देगी। नूरी, मार तो तुमने मुझे दिया है। नहीं, जीते जी मेरे अरमानों का, मेरी उम्मीदों का खून कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? नूरी, सब खत्म हो गया, सब कुछ। शहीद, तुम्हें गलत फहमी हुई है, एक दफा सकून से बैठ के मेरी बात सुन तो लो। नूरी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, नफरत है मुझे, नफरत। ऐसी है झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, ऐसी है झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई,
पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल लब को बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी थोड़ा सा और पी लें, आपके लिए अच्छा है ये। थोड़ी देर में पी लूंगी। अच्छा तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो बेटा? अब तो दो दिन ही रह गए ना शादी में। जी अम्मी, बस कल सुबह चली जाऊंगी। लेकिन बेटा मायूं, मेहंदी, वो सब तकरीबात भी तो होंगी और तुम इकलौती बहन, तुम्हारा तो जाना जरूरी है ना बेटा। मम्मी माइयों मेहंदी जैसी तकरीबात नहीं करे, बस सादा से निकाह है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए बेटा। जी ऑफिस में काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा घर चला जाता हूँ, फिर शेजीन को इसके घर ड्रॉप कराऊंगा, हानिया से भी मिल लूंगा। हाँ बेटा, हानिया से तो जरूर मिलना, बहुत दिन हो गए मेरी ठीक से बात नहीं हो पा रही उससे। मेरा तो कल सुबह जाने का इरादा था। कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। हाँ हाँ, और हमारा तुम निकाह में जरूर शिरकत करना बेटा, अगर मैं इद्दत में नहीं होती तो मैं भी जरूर आती। डोंट वरी मामा, मैं चला जाऊंगा। और एक काम करो ना, अगर तुम फ्री हो तो आज शहजीन को कहीं आउटिंग पर ले जाओ, इतने दिन हो गए बच्ची घर से बाहर कहीं नहीं निकली। अच्छा जी, जो बेटा थकार के आया उसकी कोई परवाह नहीं है, बस बहू के नखरे उठाता रहूंगा। खबरदार जो तुमने इसे मेरी बहू कहा हो तो, ये तो मेरी बेटी है। जी तो कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? हाँ मुझे कहीं नहीं जाना, सीरियसली मम्मी मैं ठीक हूँ, आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए कॉफी बनवा देती हूँ। ओके। अब आपको ये पूरा जूस फिनिश करना है, ठीक है? चले मेरे सामने पिए। पी लूंगी बेटा थोड़ी देर में। नहीं मम्मी, आपको ये सारा जूस मेरे सामने फिनिश करना है, चले। शाबाश, बहुत जिद्दी हो तुम। बहुत शदीद भूख लग रही है, क्या करूं? कब तक कमरे में कैद रहूंगी? सोचा था नाजी मुझे रूम में दे जाएगी नाश्ता, मगर वो तो आई ही नहीं, शायद बाबा के खौफ से नहीं आई। यही हो अब तक? वो बाबा। खबरदार जो तुमने मुझे बाबा कहा, तुम ये हक खो चुकी हो। मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की का बाबा हो भी नहीं सकता। मेरी बेटी तो मासूम और पाकीजा है फरिश्तों की तरह। ताकि लिए मुझे इतना बुरा ना समझे बाबा, इतना बड़ा बोहतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे मारे पीटे बुरा भला करें, मेरे किरदार कशी ना करें। जो जैसा होता है उससे वैसी ही बात की जाती है, और तुम किस कदर ठीठ हो, बेशरम। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। आपको और कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, बस बेहतर यही है तुम इस घर से चली जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरी बीवी शाइना का घर है।
वो एक बाकिरदार औरत थी और तुम जैसी बदकिरदार लड़की को इस घर में रखकर मैं अपने घर की पाकिजगी को तबाह नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाकर तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा उनके सामने रखूंगा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। फोन उठाओ। सलाम अलैकुम भाभी। शहर बाबा मुझे घर से निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसी वक्त घर से चली जाऊं। सर भी मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम कहाँ? प्लीज शहर कुछ करो। अभी देखिए आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज परेशान मत हो। मेरे होते हुए आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, बस अब थोड़ा इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। तुमसे हमदर्दी करना ही बिल्कुल फजूल है। रात को तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ गया था, लेकिन मुझे उसी वक्त तुम्हें गेट से बाहर निकालना चाहिए था। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा एक सेकंड भी। निकलो यहाँ से बाहर। बाबा निकलो। बाबा आजर को तो आने दे, मैं कहाँ जाऊंगी अकेले? आजर को आने दो या शहीर को आने दो, ताकि फिर मेरी औलाद को वरगलाओगी तुम। निकलो, एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं बाबा, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, निकलो बाबा। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने, किश्कोल बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा। सुनो, अब तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। और एक और बात, अब कोई नई साजिश शुरू ना करना। और देखो ये मेरे हाथ जुड़े हुए, शहीर का पीछा छोड़ दो, तुम्हारी वजह से वो अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा है, शहीर की जान छोड़ दो। धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, आपकी परेशान लग रहे हैं। ये लड़की मेरी जान के दर पे है,
देख लेना एक दिन मैं दिल का मरीज बन जाऊंगा इसकी वजह से। कौन हानिया? वो तो चली नहीं गई। अरे कहां चली गई, इतनी आसानी से चली जाएगी? सारी रात छुपी बैठी रही है, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा कल के बारे में, मैंने कहा भाई अगर तुम्हें शहीद से बात करनी है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तुम घर में करो ना, रुबीना के घर जाकर ये बात करने की क्या जरूरत थी। बस मुझसे बहस करने शुरू हो गई। मुझे कहती आपकी सोच गलत है, और ऊपर से शहीद को फोन मिला दिया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना तो पता है शहीद क्या कह रहा था? कह रहा था आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूं, मैं देखता हूं आपको कौन क्या कह सकता है। तो बाबा आपको शहीद को भी समझाना चाहिए था ना, उसका भी तो कसूर है। हां मानता हूं मैं शहीद की गलती है, लेकिन उसको तो वरगलाया गया है, बदगुमान किया गया है, इसलिए मैंने आज इस फसाद की जड़ को खत्म ही कर दिया। क्या मतलब बाबा? मैंने उससे कहा अपनी हरकतें सुधारो वरना ये घर छोड़ दो। फौरन निकल के चली गई। चली गई बेमोल वफा।